क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 200 लॉग्स आर सकेड इन द फ्लोइंग मैनर्स, 20 लॉग्स इन द बॉटम, 19 लॉग इन द नेक्स्ट रो, 18 लॉग इन द नेक्स्ट रो, सो इट्स एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। इन द हाउ मनी रो आर the 200 logs placed and the how many logs are in the top row, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दिया क्या क्या है, चलिए जो दिया हुआ पहले, फर्स्ट रो में कितना है, फर्स्ट रो में 20 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20। सेकेंड रो में कितना है, फर्स्ट रो में 20 है प्लस 19 है प्लस 18 है प्लस 17 है प्लस डॉट 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 जाएगा, ठीक है। यहां से ए निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो, एक रो घट रहा है हर समय, मतलब एक लॉग्स घट रहे हैं, यानी कि माइनस वन कर लो, या फिर ऐसे 19 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। ठीक है, एस एन, एस एन दिया हुआ है 200, ठीक है, दिया हुआ है, तो एन निकाल लेते हैं, एन एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। एस एन इजकल टू 200 इजकल टू एन माइनस टू, ठीक है, इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, डी क्या है माइनस वन है, एन माइनस वन कर लेते हैं और माइनस डी कर लेते हैं, ठीक है। तो 200 इंटू टू कर देते हैं, इसकल टू एन इंटू टू ए, एम वन से माइनस करेंगे तो माइनस एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो ए के वैल्यू पता है हमको, ये होगा 400 कर लेते हैं, एन ए टू इंटू 200 सॉरी 20 माइनस एन प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू एन इनटू, ये हो जाएगा 40 माइनस एन प्लस वन, ये हो जाएगा 41, 400 इक्वल टू एन इनटू 41 माइनस एन, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करके फाइनल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 41 एन, और ये हो जाएगा 400 इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। और माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन, ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका निकालते हैं एन, एन स्क्वायर माइनस 16 एन प्लस 25 एन माइनस 25 एन प्लस 400, इसको फैक्टर्स के थ्रू निकाल लेते हैं 0, ठीक है। तो एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस 16, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया माइनस 25 कॉमन ले लिया तो n माइनस 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 और n माइनस 25, ठीक है। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 16, सेम अगर n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 25, ठीक है। n के दो वैल्यू आ गए, n के दो वैल्यू कौन कौन से आ गए, एक 16 आ गया और एक 25 आ गया, इसमें से एक वैल्यू रोंग होगा दूसरा राइट होगा। अब यहाँ पे चेक करके मैं लिख बताता हूँ आपको कौन सा रोंग है कौन सा राइट है। देखिए यहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इस निगेटिव वैल्यू है, क्या है निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये टर्म्स कहां तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा,
टर्म्स गो टू डेनिस सिंह एंड 21st टर्म्स बिकम्स जीरो. ठीक है, तो जो 21st टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि 20 लास्ट में, तो 19, 16, 19, 17, 18, 16, 15, तो 21 टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो 21 टर्म्स एंड अगर 21 टर्म्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्या है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. तो n इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 21 होगा. ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 21 होगा. ठीक है, तो n इज इक्वल टू दो वैल्यू है, n इज इक्वल टू क्या है 16 एंड 25. तो ग्रेटर देन तो n हो ही नहीं सकता, तो लेस देन क्या होगा, ये 25 हो नहीं हो सकता. लेस देन क्या है, n की वैल्यू 21 से छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा 16 होगा. n की वैल्यू क्या हो जाए 16 होगा. ठीक है, हम n की वैल्यू 16 पुट करेंगे. ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 16 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 15 डी. ठीक है, तो a प्लस 15 डी हो जाएगा, तो a की वैल्यू है 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1. ठीक है, तो 20 ये हो जाएगा प्लस 15, 15 में से माइनस इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5. ये 16 कितना होगा, 5 होगा. ठीक है, समझ में आ गया आपका. चलिए, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे.